हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। आज मैं एक बहुत ही अच्छा गाना हारमोनियम पर बजा करके आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत पुराने मूवी का गाना है, रफ़ी जी के द्वारा गाया गया है और बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। मुझे बहुत पसंद है ये गाना और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी भेजा था, तो इसे मैं बता रहा हूँ। सी शार्प से बता रहा हूँ, राग भैरवी में ये गाना है। कुछ नेक काम कर जा दुनिया में नाम कर जा, ताल दादरा में है ये। शुरू में कोरस है दो पंक्ति का। कुछ नेक काम कर जा दुनिया में, दुनिया में नाम कर जा, मरने के बाद का भी, मरने के बाद का भी कुछ इंतजाम कर जा। ये दो पंक्ति कोरस है पहले, और यही कोरस स्टार्ट भी होता है। एक बार फिर से देखें इसको किस तरह गाते हैं। कुछ नेक काम कर जा दुनिया में नाम कर जा, मरने के बाद का कुछ इंतजाम कर जा। ठीक है, अब ये शुरू होता है यहां से ताल के साथ। कुछ नेक काम, मैं स्लो आपको बता रहा हूं, मैं रेगुलर स्पीड तो इस तरह होगा। कुछ नेक काम कर जा बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, आप इसे प्रैक्टिस करके बाद में स्पीड कर लीजिएगा। कुछ नेक काम कर जा, यहां डबल स्पीड में नोट्स है। कुछ नेक काम कर जा, नेक काम मगा कर जा, मापा मगरे गरे सा कर जा, मरने के बाद का भी कुछ इंतजाम कर जा। कुछ नेक काम कर जा और मरने के बाद का, दोनों का जो ट्यून है वो एक जैसा। मरने के बाद का कोरस। अब अंतरा
मिट्टी का है तू पुतला, बंदों के
धार्मिक भजन है। ये गाना जो है मुझे बहुत पसंद है। जिंदगी की कुछ सच्चाई इसमें इतना भरा हुआ है इसमें, जो सुनकर के कई एक बार आंख में आंसू आ जाता है। और सच में अगर देखिए तो जिंदगी है क्या, है मौत तेरी मंजिल, मंजिल तो हमारी मौत ही है। चाहे कम उम्र में हो, अधिक उम्र में हो, किसी एक्सीडेंट से हो या किसी बीमारी से हो, या बिना बीमारी के भी मौत आएगी। किसी भी हालत में मौत जो है वो हमारी मंजिल है, और उस मौत को गले लगाने के लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती है। जिंदगी में बस एक इंतजार होती है केवल मौत की, और इसीलिए जीवन में जब हम काम करते हैं, जब हम कुछ भी करते हैं जीवन में, तो हमें सच्चाई का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हम जो भी काम करें वो ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें। और सबसे बड़ी बात जो है वो है कि अपने काम से, अपने व्यवहार से हमें जीवन में ये ध्यान रखना है कि किसी को दुख न पहुंचे। अगर सही में हर व्यक्ति ये सोचना शुरू कर दे कि कहीं मेरे काम से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूं ये संसार स्वर्ग हो जाएगा, जन्नत हो जाएगा ये। बस चाहे वो किसी भी कारण से दुख पहुंचता हो, चाहे वो धर्म का आड़ लेकर के हम दुख पहुंचा रहे हों, भगवान का नाम लेकर के दुख पहुंचा रहे हों, या किसी खुदा का नाम लेकर के किसी को दुख पहुंचा रहे हों, क्योंकि किसी भी हालत में खुदा या भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम मेरे किसी बंदे को भी दुख पहुंचाओ। इस तरह की कोई भी बातें अगर किसी भी बुक में, किसी भी ग्रंथ में अगर लिखा हुआ है, तो हम लोग इतनी शिक्षा तो हमें अवश्य मिल गई है अब कि इतना समझ सकें कि वो जितने ग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथ किसी ना किसी मनुष्य के द्वारा लिखा गया है, और उसमें उस मनुष्य का या उस ग्रुप का, उस समूह मनुष्य का जो है, मनुष्य समूह का कोई ना कोई राजनीति उसमें है। हमारी बुद्धि कम से कम इतना तो अब काम करना चाहिए कि हम समझ सकें कि कोई परमात्मा इस धरती पर आकर के किसी भी ग्रंथ को नहीं लिखा है। सभी ग्रंथ मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है, और जिस ग्रंथ में केवल अच्छी बातें हैं, आप ये समझ लीजिए कि वो अच्छा इंसान रहा, और जो किसी ग्रंथ में किसी को दुख पहुंचाने की कोई भी बात लिखी हुई है, इसका अर्थ है कि वो इंसान निश्चित रूप से अपने नाम को कमाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए उन ग्रंथों में उस तरह की बातें लिखा है। कम से कम अब तो हमें ये बात समझ जानी चाहिए। हम सभी इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, हम किसी भी धर्म में जन्म नहीं लेते, और जब जन्म लेते हैं उस समय आप किसी धर्म से पीड़ित व्यक्ति, मैं यही कहूंगा कि किसी धर्म पीड़ित व्यक्ति के घर में आप जन्म लेते हैं, तो आप अपने को उस धर्म का समझने लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई धर्म परमात्मा के द्वारा नहीं बनाया गया है। परमात्मा केवल हमें एक जीव के रूप में जन्म दिया है, उसी तरह जिस तरह और जानवरों को जन्म दिया है परमात्मा, ठीक उसी तरह एक हम लोग भी एक ऐसे जानवर हैं, हमें सामाजिक जानवर कह लें आप, या एक इंसान के रूप में हमें जन्म दिया है। बस बाकी यहां के रहने की व्यवस्था जो है, रहने का पहनावा जो है, और
जो भी हम आचार विचार आचार व्यवहार करते हैं वो सब हमारे अपने द्वारा बनाए गए हैं। हमारे बीच कोई व्यक्ति कोई सलाह मशविरा करता है या कोई बात रखता है और हम उन बातों को मान करके उसे अपना लेते हैं, वही व्यवहार बनता चला जाता है। ठीक है, तो हमारे बीच में जो भी धर्म या नियम या कानून, कुछ इस तरह के नियम और कानून की बात मैं करता हूं, इवन अच्छे कानून भी और बुरे कानून भी, सभी हमें मानने के लिए या तो मजबूर किया गया है या हम उसे मानने लगे हैं। तो सच्चाई यह है कि जब कोई अच्छी बातें होती है तो हम उसे मान जाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है वो, और जब कोई बुरी बात होती है तो हमें उसे मनवा दिया जाता है। तो हम इंसान अब पढ़े लिखे हैं, इतनी शिक्षा हमें है, इतना ज्ञान अब हमें है कि हम समझ सकें कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। केवल उन लोगों के बातों में हमें नहीं आना चाहिए जो लोग बैठ करके उन ग्रंथों का सहारा लेकर के हमें कानून पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम इंसान हैं, हम इतनी तो बात समझ ही सकते हैं। ठीक है, अपने भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं ये भजन, ये गाना जो है आपको समर्पित करता हूं। आप इसे बजाएं, गाएं और आनंद लें, और इसी तरह के अच्छे विचार अपने समाज में फैलाएं ताकि हर इंसान इंसान के रूप में हो, इंसान के रूप में आपस में मिलजुल करके रहे, किसी धर्म के नाम पर नहीं। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।